ये वाली वीडियो देखा, ये वाली वीडियो के नीचे ये वाली वीडियो रिकमेंड होती है। रंबल ऐप से अकाउंट कैसे बना, यहाँ से अर्निंग कैसी कर, यहाँ पर वेरिफिकेशन कैसे करते हैं और यहाँ पर पेमेंट मेथड क्या होता है, यहाँ से अर्निंग कैसी होती है, रंबल ऐप है क्या, ये सब सिंपली ये वीडियो में बताने वाला हूँ। सिंपली ये वीडियो को लास्ट तक देखना। आपको ऐसा लग रहा है कि भैया तेरे को सबसे ज्यादा जरूरत है पैसे कमाने की, पीछे का बैकग्राउंड देख के ना, मेरा स्टूडियो बन रहा है। अभी मेरे पास रूम नहीं है, मेरा स्टूडियो कुछ स्टेप से था, अभी स्टेप से अभी फिलहाल फेस कैम में इसलिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि हाँ भाई ये ऐप के बारे में बताना मुझे जरूरी समझा कि ये चीज सभी लोग बता रहे हैं और मैं आपको यहाँ पर रियलिटी बताऊँ। और ये ऐप के बारे में सबसे मेन चीज ये रियल है कि फेक, यानी सिंपली यूट्यूब की वीडियो उठाना और ये ऐप में डालना, यहाँ पर व्यू आएगा तो आपको अर्निंग होगी। और यहाँ पर यूट्यूब में क्या होता था कि 4000 घंटे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करना पड़ता था, फिर उसके बाद वहां से अर्निंग स्टार्ट होती। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर पहली वीडियो से स्टार्ट हो जाती है अर्निंग। तो यहाँ पर ये बात मेरे को सही लगी, यहाँ भाई पहली वीडियो से स्टार्ट हो रही है अर्निंग, तो मैं क्यों ना मेरी यूट्यूब की वीडियो इसमें भी अपलोड करूँ। तो सिंपली यहाँ पर पूरा प्रोसेस बताऊंगा, ये वीडियो को लास्ट तक देखना। बहुत से लोगों आपका तो ये नहीं काटने दूंगा, सिंपली आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना है और नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक जरूर करना क्योंकि इससे मेरे को अच्छा लगता है। तो सबसे पहला पॉइंट कि भैया ये रंबल ऐप है क्या, जैसे यूट्यूब है अपना वैसी ये रंबल ऐप है। सिंपली यहाँ पर वीडियो अपलोड करो, ऑडियंस आएंगी देखेंगी, उस वीडियो से आपको अर्निंग होगी। अब यहाँ पर जैसे मैं वेबसाइट में जाता हूँ इसके, तो वेबसाइट भी यहाँ पर है कि भैया स्कैम वगैरह है नहीं है। अब यहाँ पर सेकंड पॉइंट रियल है कि फेक, यहाँ पर रियल है कि फेक ये देखने के लिए मैं सिंपली विकिपीडिया जो गूगल का है ना वहाँ पर चेक किया, तो यहाँ पर सच में रियल है। ये वीडियो प्लेटफॉर्म यानी वीडियो यहाँ पर डालो, यहाँ से अर्निंग करो, ये यहाँ पर विकिपीडिया में बता रहा है। पर कोई स्कैम वगैरह नहीं होने वाला, आपका चैनल वगैरह हैक नहीं होने वाला, बहुत से लोग तो यही बोल रहे थे, तो मैं सिंपली यहाँ पर ये पहले वेरीफाई किया तब जाके आपको बता रहा हूँ। और ये ऐप के बारे में बात करूँ तो ये ऐप अभी अभी खुला है ऐसा नहीं है, बहुत पहले से खुला है, उसका डेट भी बताऊंगा। और यहाँ पर सबसे मेन चीज अकाउंट कैसे बनाना है, यहाँ से अर्निंग कैसे करना है, किस तरीके से अपलोड करना, सब कुछ बताऊंगा। यहाँ पर एक बात ध्यान में रखो, इस वेबसाइट में आपको चैनल क्रिएट करना पड़ता है, जैसे यूट्यूब का चैनल होता है वैसे इसका चैनल होता है। एक सेकंड में बनता है इसका भी चैनल, YouTube का चैनल भी एक सेकंड में बनता है। सिंपली नाम डालो, चैनल का नाम रखो, आ गया आपका चैनल यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। सबसे पहले ये देख लेना, तो यहाँ पर साइन अप कैसे करते हैं सबसे पहले ये देख लो, उसके बाद चैनल कैसे बनाते हैं उसका वाला पॉइंट कर दूंगा, सिंपली ये देख लो। चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे, यहाँ पर सबसे पहले साइन अप करना पड़ता है। तो सबसे पहले आपको जाना गूगल क्रोम में या आ चुका हूं मैं। अब यहाँ पर आपको लिखना है rumble.com, rumble.com जैसे लिखा, लिखने के बाद यहाँ पर इस टाइप से ये वेबसाइट आती है रंबल वाली, तो इस पे क्लिक करना है। अब क्लिक करने के बाद कुछ इस टाइप से इंटरफेस खुलता है, तो यहाँ पर साइन अप क्लिक करता हूँ। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ इस टाइप से इंटरफेस दिखता है। सबसे पहले आपका नाम लिखना है, उसके बाद यूजर नेम लिखना है, फिर उसके बाद पासवर्ड लिखना है, पासवर्ड आपको क्रिएट करना है, फिर उसके बाद वही पासवर्ड यहाँ पर री एंटर करना है, फिर इसके बाद यहाँ पर आपको ईमेल एड्रेस डालना है, जो आपके पास ईमेल है वो डालो, फिर उसके बाद वही ईमेल डालो, फिर उसके बाद कंट्री सिलेक्ट करो इंडिया, फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालना है, फिर उसके बाद ये जो ऑप्शनल फील्ड दिया है इसको भी आप भर भी सकते हो नहीं भी भर सकते हो, अगर आप रेफरल के थ्रू कमाना चाहते हो ये उसको भर दो मेरे हिसाब से। उसके बाद यहाँ पर ये जो बॉक्स है इसको क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर रजिस्टर करना है। जैसे आपने रजिस्टर किया फिर उसके बाद यहाँ पर कांग्रेचुलेशन का ऑप्शन दिखता है, तो सिंपली यहाँ पर आपको बोल रहा है कि भैया आपने जो ईमेल एड्रेस यहाँ पर डाला था ना वही ईमेल पे जाना है। अब ये जो रंबल वाला जो ऐप है का आपको मैसेज दिख रहा है, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ स्टेप से लिखा है, क्लिक हियर टू एक्टिवेट योर अकाउंट, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद डायरेक्ट रंबल खुल जाएगा और यहाँ पर बताएगा कि भैया आपका जो अकाउंट है वो एक्टिवेट हो चुका है, वेरीफाई हो चुका है। अब इसके बाद आपको सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज आती है कि भैया आपको यहाँ पर क्रिएट करना पड़ता है चैनल, जैसे मैंने आपको पहले बताया यूट्यूब में जैसे क्रिएट करते हो यहाँ पर भी वैसे ही क्रिएट करना है। आपको यहाँ पर आना है, यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करूंगा तो यहाँ पर क्रिएट चैनल का ऑप्शन दिया रहता है, इस पे क्लिक करना है। अब क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपका चैनल का नाम डालना है, उसके बाद यहाँ पर टाइटल लिखना है, फिर उसके बाद डिस्क्रिप्शन, फिर उसके बाद थंबनेल यानी आपका जो लोगो रहेगा वो, उसके बाद ब्लैक साइज यानी आपके चैनल का पोस्टर, फिर उसके बाद क्रिएट पे क्लिक कर देना। अब यहाँ पर आपका चैनल बन गया। अब यहाँ पर वीडियो कैसे अपलोड करेंगे, वीडियो अपलोड करने के लिए आपको जाना है तो यहाँ पर होम में चले जाना, ऊपर में प्लस का आइकन दिया रहता है, वीडियो का आइकन दिया रहता है, उस पे क्लिक करना। क्लिक करने के बाद अपलोड वीडियो का ऑप्शन दिया है, इस पे क्लिक करना। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको फाइल सिलेक्ट करना पड़ता है यानी आपका जो वीडियो है उसको अपलोड करना है, तो सिंपली इस पे क्लिक करना। अब क्लिक करने के बाद आपका जो गैलरी पूरी खुल जाएगी, इसमें से जो भी वीडियो अपलोड आपको करना है सिंपली उसको सिलेक्ट कर लेना, ये वीडियो अपलोड हो रही है। फिर उसके बाद इस वीडियो का टाइटल लिखना है, तो डिस्क्रिप्शन क्या लिखना है वो लिखो, फिर उसके बाद आपका जो वीडियो है उसका थंबनेल लगाओ। थंबनेल लगाने के बाद यहाँ पर वीडियो का जैसे आप YouTube में टैग लगाते हो वैसे आपको यहाँ पर टैग लगाना है। अब यहाँ पर नीचे में पब्लिक, अनलिस्टेड और प्राइवेट ऑप्शन दिया है, तीनों में से एक को सिलेक्ट करो, तो सिंपली यहाँ पर पब्लिक ही सिलेक्ट करो, यहाँ पर नया है आपके लिए तो पब्लिक ही सिलेक्ट करना। उसके बाद अपलोड का ऑप्शन आता है उस पर क्लिक करना। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज वीडियो की, यहाँ से ये पार्ट बिल्कुल स्किप नहीं करना कि ये चीज कोई नहीं बताता, मैं जो आपको खुला छूट बताऊंगा क्योंकि आप मेरे ऑडियंस। सबसे पहले ये ऐप से अर्निंग कैसी होती है, देखो
यहाँ पर YouTube में क्या होता है, जैसे आप वीडियो डालते हो आपका चैनल मोनेटाइज है तो वहाँ पर ऐड देते हैं, ऐड्स का हमको पैसा मिलता है। अब पैसा मिलने के बाद हमारे अकाउंट में आता है, ठीक है, रियल है। लेकिन यहाँ पर ये वाला मॉडल नहीं है, यहाँ पर रेफरल वाला मॉडल है। यानी ऐसा नहीं कि भैया मैंने पहले बताया आपको कि इसमें वीडियो डाल दो, बहुत से लोग तो बता रहे थे कि भैया इसमें वीडियो डालो पहले ही वीडियो से मोनेटाइज हो जाएगा। मोनेटाइज तो होगा बट आपको उससे अर्निंग नहीं होगी वीडियो से, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म में कोई ऐड देने वाला नहीं है। जैसे यूट्यूब में बहुत सारी ऐड आती है उसमें से हमको पैसा मिलता है, लेकिन यहाँ पर कोई ऐड वगैरह नहीं आती है। ध्यान में रखना, ऐड वगैरह नहीं आती है। आपके वीडियो में व्यू आएंगे वहाँ पर 10 आएंगे, 200 आएंगे, 300 आएंगे, 400 आएंगे, लेकिन वहाँ से अर्निंग जीरो भी नहीं होगी। इसका अर्निंग सोर्स है रेफरल। इस ऐप की जो रेफरल लिंक है अपने वीडियो में डाल दो, आप वीडियो बना दो। अब मेरे वीडियोस के थ्रू जैसे मैंने ये रेफरल लिंक दिया हूँ इसके नीचे, अब इसमें से आप उस ऐप में यानी वेबसाइट में जाके आप बनाते हो अकाउंट, ठीक है, रंबल में, यहाँ से मुझे पैसे मिलेंगे। यानी मेरे थ्रू आप जाओगे उस ऐप में लॉग इन करोगे तो उसको बोलते हैं रेफरल अर्निंग। तो ये ना के बराबर होती है, ऐसा मत सोचना कि इसमें से पैसे मिलेंगे। अब सेकंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें ये आती है, जैसे आप वेरिफिकेशन करने जाओगे तो वेरिफिकेशन करने के लिए जैसे आप इंडिया से हो या पाकिस्तान से हो, ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान यानी एशिया की जितनी भी कंट्री है उसके लिए अवेलेबल नहीं है, ठीक है, यूके हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, उसके लिए अवेलेबल है। तो आपको यहाँ पर वेरिफिकेशन के लिए नंबर लगता है, तो नंबर कहाँ से लाओगे भाई, इंडिया का नंबर तो एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे। और सपोज आपने कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन वेबसाइट से जाके यूएस का नंबर ले लिया और यहाँ पर डाल दिया और वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया। अब वेरिफिकेशन कंप्लीट करने के बाद जैसे आप यहाँ से अर्निंग कर लोगे $15-20-30, लेकिन जब वहाँ से पैसे मंगाने की बारी आएगी तो भैया वो तो देश चेकआउट करेगा ना कि भैया किसका है ये, कहाँ से ये अकाउंट, तो इंडिया में तो अभी तक आया नहीं है, तो भैया कहाँ से सेंड करेगा पैसे, नहीं सेंड करेगा। अब उसके बाद थर्ड नंबर की दिक्कत ये आती है, सुनो, इसमें पेमेंट मेथड जैसे हमारा यूट्यूब में पैसे कैसे आते हैं, डायरेक्ट गूगल एडसेंस से हमारे बैंक अकाउंट में आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर पेपाल वाला अकाउंट लगता है। लेकिन पेपाल वाला अकाउंट तो है इंडिया में लेकिन और अदर कंट्री में नहीं है, जैसे पाकिस्तान हो गया वहाँ पर नहीं है, यहाँ पर पेपाल वाला अकाउंट तो बना लोगे और यहाँ पर चेक और पेपाल के थ्रू पेमेंट आता है। तो हमको इंडिया वालों को कोई दिक्कत नहीं है, पेपाल के थ्रू आपको पेमेंट आ जाएगा जैसे आपने रेफरल से कमाए। अब इसका कंपैरिजन देख लो, यूट्यूब में देखो यहाँ पर रेवेन्यू ऐसे जनरेट होती है, क्रिएटर को इतना मिलता है और यहाँ पर क्रिएटर को इतना मिलता है। और यहाँ पर मोनेटाइजेशन की बात करें तो यहाँ पर 4000 घंटे लगते हैं, सब्सक्राइबर लगते हैं और यहाँ पर पहले वीडियो से आपका मोनेटाइजेशन ऑन हो जाता है। उसके बाद थर्ड नंबर की चीज, यहाँ पर डाउनलोड है यूट्यूब के और यहाँ पर 5 मिलियन। तो ये ऐप 2013 से चल रहा है, तो इतने से यानी 9 साल से क्या झक मार रहा था अभी तक किसी को पता ही नहीं। यहाँ पर CPM यानी क्लिक पर इम्प्रेशन यानी CPM यानी भैया यहाँ पर YouTube में ऐड चलती है और यहाँ का CPM बहुत अच्छा है। यहाँ पर CPM का तो नाम ही निशान नहीं है, मीन्स कहता है यहाँ पर ऐड ही नहीं दे रहा है कोई कंपनी, तो यहाँ पर अर्निंग कैसे होंगे, नहीं होंगी, ये रेफरल के थ्रू होगी। और मैं आपको बता दूँ, मैं आपको रिकमेंड नहीं करता यहाँ पर कुछ वीडियो डालो वगैरह अपलोड करो, बिल्कुल भी मत करो। क्यों? क्योंकि 9 साल हो गया, 9 साल से अभी तक ग्रो नहीं हुई, तो आगे चल के फ्यूचर में क्या ग्रो होंगी। बहुत सारे ये यूट्यूबर हैं बता रहे थे कि भैया इतने दिन बाद अभी जब एशिया में लॉन्च होगा तो ऐसा हो जाएगा, धमाल हो जाएगा। 9 साल से क्या कर रही थी।